दिवस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को आदिवास दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां मध्य प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार लोगों को आदिवासी दिवस की खुशियां देने में लगी हुई है, वहीं हटा तहसील के अंतर्गत आने वाले कारीबिरा गांव के बच्चे जो कि आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं, 7 से 8 किलोमीटर पैदल स्कूल जाने को मजबूर हैं। दरअसल कारीबिरा गांव में एक मिडिल स्कूल सेंशन किया गया था, लेकिन गलती से यह स्कूल दुर्खेड़ा में बना दिया गया, जहां बच्चों को पैदल इस स्कूल में पहुंचना पड़ता है। वहीं पोर्टल में बच्चों का नाम न चढ़ने के कारण उन्हें साइकिल वितरित भी नहीं की जा पा रही है। अब देखना यह है कि कब तक शासन प्रशासन जागेगा व इन बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए साइकिल प्रदान हो पाएंगी व उन्हें सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा या नहीं। देखिए आदिवासी दिवस पर खास रिपोर्ट। जाते हैं पानी गिरते तो हम लौट भी जाते हैं। जानवरों को डर लगती है रास्ता में। कहाँ जा रही हो? गुरखेल। क्यों? गुरखेल। किस लिए? पढ़ने। कहाँ है आपका स्कूल? गुरखेल। पैदल जाती रोज? हाँ। क्यों, साइकिल नहीं मिली आपको? हाँ। कहाँ पढ़ती हो? गुरखेल। तो अभी कहाँ जा रही तुम? रोज पैदल जाती? कितना चलती हो? 4 किलोमीटर आना जाना किया। तो आपको साइकिल ही मिली? हाँ। क्यों? चलने दे नहीं रहा। साइकिल ही मिल रही। प्राथमिक शाला घुरखेड़ा में 1970 में कारीबिरा के नाम से स्कूल खोला गया था। तभी से मतलब वहाँ प्राथमिक शाला संचालित है और 1970 से लेके आज तक कारीबिरा के नाम से स्कूल वहाँ पर संचालित हो रहा है। मिडिल स्कूल 2013 में उसी के नाम के नाम से स्वीकृत हुआ और मिडिल स्कूल भी संचालित हो रहा है। यह परिवर्तन कैसे हुआ, ये पहले से चला आ रहा है और जो कारीबिरा है वह अति पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण वहाँ सैटेलाइट स्कूल 2011 में खोला गया था, फिर वर्तमान में वहाँ प्राथमिक स्कूल संचालित हो रहा है। जैसे कि कारीबिरा से बच्चे हैं वो यहाँ आपके घुरखेड़ा पढ़ने भी नहीं आ पा रहे हैं, ना उनको कोई शासन की सुविधा का जैसे कि साइकिल वितरण या किसी इस प्रकार की सुविधा का कोई भी उनको वो नहीं मिल रहा है। नहीं,
कारीबरा से जो बच्चे कक्षा पाँचवीं पास होकर आए हैं उन सभी बच्चों को साइकिल की पात्रता है और उनको साइकिल प्रदाय की जा रही है। जैसे कि बच्चों के द्वारा ही बताया गया सर कि हमें साइकिल नहीं मिली है अभी तक, और जो पोर्टल पे हम साइकिल का वो डालते तो उसमें कारीबरा इसमें स्कूल संचालित थे इसलिए हमें साइकिल नहीं मिल रही है। बसाहट एक होने के कारण बच्चे पोर्टल पर पात्र नहीं है, परंतु अन्यत्र स्थान से मतलब आ रहे हैं तो वो बच्चे पात्र माने जाएंगे और ऐसे बच्चों को साइकिल प्रदान की जाएगी। सर, ये कारीबरा के जो बच्चे हैं जंगल से पैदल आते मिले हैं आपके स्कूल तक, इन्हें साइकिलें क्यों नहीं मिल पा रही हैं? भाई क्या है, इनकी दूरी तो जरूर है, लेकिन माने 3-4 किलोमीटर आदमी कहीं आप पैदल आते हैं, लेकिन ये पोर्टल पे सो नहीं हो रहे हैं, और पोर्टल पर जो सो रहे हैं वो भूत खड़ा के बच्चे हो रहे हैं सो, तो इसलिए मैं बांटे में मेरे दिक्कत है मुझे। जो बच्चे हैं बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर रोज पैदल आते हैं, 4 किलोमीटर वापस होते हैं, 8 किलोमीटर नियमित रूप से बच्चे पैदल चल रहे हैं, और जंगल में ना कई तरह समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, बारिश हो रही है, जानवर मिल जाते हैं, वापस भी हो जाते हैं, इनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। तो भाई पोर्टल पे सो नहीं हो रहा इसलिए मैं नहीं बात रहा हूँ, तो भाई अगर उच्च अधिकारी अगर कछु कह देंगे कि भाई बांट नहीं जाएंगे तो मैं बांट लूँगा। मतलब साइकिलें आ चुकी हैं? हाँ साइकिलें आ चुकी हैं। वितरण शेष है? वितरण शेष है। कितने बच्चे होंगे सर जिनको साइकिलें मिलना है कारीबरा के? कारीबरा के लगभग 23 बच्चे, 20 बच्चे हैं लगभग।